चलिए तो हमारे साथ स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए प्लीज अपना। मेरा नाम रामसेव गुप्ता, मुंबई से। तो क्या क्लास था आज हमारा? हमारा ग्राफिक्स का क्लास था। और ग्राफिक्स का मैं कैसे सर ने हम लोग को एक्सप्लेन किया, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ जी। ये देखिए, यानी तो हमको ग्राफिक्स और अपने डिस्प्ले पे लाने के लिए 13 लाइनों की जरूरत रहती है, जिसमें से 10 लाइन है ये मीपी की लाइनें है। अच्छा। 3 लाइनें जो चाहिए RST, ID और TE की लगता है। और उसके बाद हमें ग्राफिक्स लाने के लिए +5 वोल्ट, -5 वोल्ट और 1.8 की जरूरत रहती है। जो 1.8 आता है हमारे पावर आईसी से जनरेट होता है, जिससे हमारे डिस्प्ले पे ग्राफिक्स आ जाता है। उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा थैंक्स एशिया टेलीकॉम, थैंक्स देव सर। चलिए ठीक है भैया, टोटल CPU से 13 लाइन और 3 लाइन कहाँ से चाहिए? एक पावर से चाहिए। 3 बज रहे हैं। खाना नहीं खाया? पानी पिया है आपने भी और हमने भी। यस सर, हमने थोड़ा नमक वाला पिया है। हाँ भाई, 28 अप्रैल के स्टूडेंट कौन कौन जोश में है? आज ऑडियो सेक्शन हुआ, हेलो। कैसा लगा ऑडियो सेक्शन? किस किस को समझ में आया? आज हमने बहुत सारी आईसी देखी, हेलो। और आज हमने अपनी लाइफ की पहली आईसी बनाई। मुझे 9 बॉल 12 बॉल का डायग्राम दिखाओ जरा, सबको एक बार दिखाओ, यहाँ पर अपनी कॉपी में दिखाओ, बनाई कि नहीं बनाई, नहीं तो ये दिखाओ, इस तरह का डायग्राम दिखाओ, ये ऐसा दिखाओ, ये सर ये देखो। तो अब मुझे बताओ, क्या हमने इसको सिर्फ छापा है क्या? नहीं सर। एक एक पैक समझ के है, हर बातों का जवाब मिला है और हर चीज का यहाँ प्रैक्टिकल देगा, हेलो। तो मैं जानना चाहता हूँ आज यहाँ से जाने के बाद में एक ऑडियो मोबाइल बिना CPU बिना NMC के फिर भी वोल्टेज कौन कौन बनाएगा? तो मतलब इस तरीके से समझेंगे कि फोन को ऑन करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आईसी के रिक्वायरमेंट, हेलो। आईसी के प्रोटोकॉल किस किस को समझ में आए, हेलो। आपको देखा कि आईसी सिर्फ इन आउट से नहीं चल रही है, आईसी के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। वोल्टेज, सीपीयू, प्रोटोकॉल। और आज हमने पहली बार इतने सारे डिटेलिंग में पढ़ा, हेलो। क्या हमें फोन ऑन करने के लिए ट्विजर चाहिए? खाली एक अच्छी चीजें पड़ी। सबसे पहले हमने रिसीवर सप्लाई पड़ी, हेलो। एंडलेस, मुझे बताओ रिसीवर कौन कौन ढूंढ सकता है, चेक कर सकता है? फिर हमने ऑडियो आईसी के वोल्टेज देखे, प्रैक्टिकली चेक किए। अब मुझे बताओ रिवर्स टेस्टिंग भी की हमने, हेलो, आईसी की काउंटिंग के साथ, हेलो। और ऑडियो के डायरेक्ट सोल्यूशन, हेलो, कब हमें ट्रेसिंग करनी है, कब हमें ट्रेसिंग नहीं करनी है, रिंगर का ब्लॉक डायग्राम समझा, तभी जाएगी जब हम ऑडियो को प्ले करेंगे, हेलो। यहाँ ये एक ऑडियो PA है, क्या है? ऑडियो PA। अगर ये IMP और IN वाले कैपेसिटर हट जाए तो क्या आवाज आएगी क्या? तो हमें ये भी पता चला कि GR वोल्टेज आता है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, काम किस पे करना है और सेम कंडीशन किस पे होगी? बट स्मार्ट PA में कोई EN सिग्नल होता नहीं है। तो भैया ये तीन और सेम कंडीशन बनाती है वोल्टेज, और उसमें सिर्फ 2 वोल्टेज डायरेक्ट लेने के बाद में ये 4-8 लाइनों से चलती है, जिसमें से एक I2S, I2C, रिसेट, इंटरप्टेड, हेलो। तो ये I2C को भी हमने प्रैक्टिकली देखा, हेलो, ठीक है। तो हमने देखा सैमसंग के अंदर, देखा हमने लैग वाले, देखे हमने ऑडियो पीओ, देखे किस तरह से ये चलते हैं और किस तरह से हमारा आउटपुट निकलता है। तो ले देखे टोटल ऑडियो सेक्शन किस किस को समझ में आया, हेलो। चलो जाओ प्रैक्टिकल करो, थैंक यू वेरी मच, जाओ खाना खाओ आराम आराम। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो
और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं, क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता? और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए, पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सर मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो CPU निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।